तुम हमेशा आजादी की बात करते हो फ्रांस। अब हम वियतनामियों की आजादी का समय आ गया है। बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, ठीक है मैं हार मानता हूँ। अपनी आजादी का मजा लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहुत बढ़िया चैंप, अब तुम अपने खुद के इलेक्शंस करवा सकते हो। मजा आएगा। इलेक्शंस में मजा। ये क्या कर रहा है? ये खर्चे का हिसाब कर रहा है। वियतमिन कम्युनिस्ट है तो इलेक्शंस के बाद तो वियतनाम भी कम्युनिस्ट बन जाएगा। लो ये फिर से शुरू हो गया। मैं कम्युनिस्ट को इलेक्शंस के जरिए वियतनाम पर राज नहीं करने दे सकता। इन्हें मुझे विस्तार करने से रोकना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, अस्थायी रूप से देश को बांट देते हैं दो हिस्सों में, 17th पैरेलल के साथ में। ओके ओके, ये हो जाएगा। तो आज से तुम हो नॉर्थ वियतनाम और ये है साउथ वियतनाम। क्या बात है लाले, कोरिया की तरह। उम्मीद है ये आइडिया भी काम करेगा। ये सबको चलेगा? हाँ, जो भी है हमको भी चलेगा, जैसा सबको ठीक लगे। चलो बाद में मिलते हैं। इसने साइन तो किया ही नहीं। इसकी ऐसी की तैसी। तो आखिर प्लान क्या है अमेरिका? हम इस नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ इलेक्शंस कैसे जीतेंगे? वो मुझसे कई ज्यादा फेमस है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है और वो भी बुलेट प्रूफ। अरे वाह, मुझे भी तो बताओ, मैं एक्साइटेड हूँ। तो बेसिकली प्लान ये है कि हम ये इलेक्शंस होने ही नहीं देंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि देश पर राज होगा तुम्हारा, चिकचिका। तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। सबसे पहले हम लोगों के दिमाग से खेलेंगे ताकि तुम्हें नॉर्थ के लोग ज्यादा पसंद करें। क्यों, अच्छा है ना? ओ अच्छा, लेकिन हम उन वियत कॉन्ग्स का क्या करेंगे? हाँ पॉइंट तो है, वो कम्युनिस्ट विद्रोही कहीं भी हो सकते हैं। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले इश्तेहार, जिनमें लिखा होगा कि हम महान हैं और वो कम्युनिस्ट बेकार है। अच्छा, और साथ ही हम करेंगे इंटेंसिव मिलिट्री ट्रेनिंग। लेकिन ये तो हमारे हुए समझौते के खिलाफ होगा, है ना? ओ वाह। तो ये सब होने के बाद हम सत्ता किसके हाथों में देंगे? क्या मेरे परिवार से कोई हो सकता है? तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य, कुछ भी कहना मुश्किल है। क्या लगता है, ये अच्छा आइडिया है या फिर? शुक्र है ऊपर वाले ने इससे बचा लिया। हाँ वो मैं थोड़ा भावुक हो गया था, सॉरी। अरे नहीं, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। एक बात बताऊं, पहले मुझे शक था लेकिन तुम तैयार हो, बल्ले। कंट्रोवर्सी, साउथ वियतनाम ने न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया है। क्या ये वियतनाम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत हुए चुनाव प्लान का उल्लंघन है? अब नॉर्थ वियतनाम क्या? रुको, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है। हमको अमेरिका से भी अग्रीमेंट करवाना चाहिए था क्योंकि इसने इसका दिमाग खराब कर दिया है। सुनो दोस्तों, इतनी जल्दी नतीजों पर मत पहुंचो। हमने देखा है कोरिया में क्या हुआ। तुम भूल गए हो कि हम कौन हैं? हमें ये कम्युनिस्ट क्रांति फैलानी होगी, वो भी पूरी दुनिया में। दोस्तों हम मुद्दे से भटक रहे हैं, इस सबका एक आसान समाधान है। अचका अचका, सच में? हाँ, तुम बस मुझे हथियार और सप्लाईज देते रहो और मैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साउथ वियतनामी विद्रोहियों को हथियार और प्रशिक्षण देता रहूंगा। उसके बाद उनकी खैर नहीं, यूएसए इसे कहता है और क्या, वियत कॉन्ग। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये कौमी विद्रोही। इनमें से कुछ तो पक्का वियत कॉन्ग के हैं
और हो सकता है शायद बाकी के भी वियतकोंग के ही थे और कुछ शायद वियतनामी बुद्धिस्ट थे। रुको, बुद्धिस्ट? तुम्हारी जनसंख्या में ज्यादातर वही लोग हैं ना? अरे ये क्या, उसने तो खुद को आग लगा दी। हाँ, मुझे बुद्धिस्ट लोग पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब ये सब हो ही रहा है तो क्यों ना एक तीर दो निशाने मार लूं। एक मिनट छोटू, तुमने मेरी ट्रेनिंग को काफी गंभीरता से ले लिया है, तुम्हारी वजह से हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन ये वियतकोंग तो हर जगह है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे पसंद करने लगे। एक बात बताऊं, हमें विस्तार करना होगा, थोड़ा सा और विस्तार, और तुम इस लड़ाई को ले जाओगे नॉर्थ तक। यहाँ पर तो माहौल बिगड़ रहा है, हाई कमांड को खबर देनी होगी। एजेंट 666 डबल गामा रिपोर्ट कर रहा हूँ सर। एजेंट 666, अरे तुम जो भी हो तो क्या खबर लाए हो मेरे लिए? यहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं सर, साउथ वियतनाम सबको गिरफ्तार कर रहा है, सब जगह अफरा तफरी मची है, हम एक बड़ी जंग जीत गए हैं और लोगों का साउथ गवर्नमेंट और मिलिट्री पर से भरोसा उठ रहा है। अरे मुझे यही तो चाहिए था, इन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ लड़ते रहो, हम बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ होंगे। जी सर। क्या तुम भी बिल्कुल मेरे जैसा सोच रहे हो? अब हमला करने का बिल्कुल सही समय है, सोवियत यूनियन साथ देगा या नहीं? दोस्तों ऐसा क्या तो अमेरिका के साथ जंग छेड़ बैठेंगे? नहीं यार, क्या तुम कुछ बंदूकें उधार दे सकते हो? अब वक्त है दिखाने का कि असली वियतनाम कौन है। यही। हाँ क्यों नहीं, जो कोरिया के साथ हुआ वही यहाँ होने वाला है। ओके, तो प्लान ये है कि हम छोटी रडार फैसिलिटी पर हमला करेंगे और फिर उस पर हमला करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मामला बिगड़ सकता है। जो अग्रीमेंट तुमने साइन नहीं किया था है ना, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? क्या लोग मुझे फिर से पसंद करेंगे? इसकी तो हाँ, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ ब्रो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्या तुम सच में यही रुकना चाहते हो? जब मैं हमला कर रहा हूँ अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम डटे रहना। ठीक है, चिंता मत करो। ये बस कोई गड़बड़ ना कर दे। मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दुश्मन आ रहा है, हमला करो, फायर! अभी हमला करो, फायर जल्दी! क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, हमें इस जगह को तबाह करना होगा ताकि सभी वियतनामी मुझे पसंद करने लगे। ये तो एक हमला लग रहा है, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। सर जी, ये तो अमेरिका है। हाँ लेकिन कहाँ? वो देखिए सामने, वो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है जी। ये मुझे दो, लगता है ये समझौते को तोड़ रहा है। अरे ये क्या कर दिया अमेरिका, अब तो युद्ध होगा युद्ध, और सबको इसमें शामिल होना होगा।